वर्षों से अवैध अतिक्रमण को हटवाने में असमर्थ रहे संबित अधिकारी। प्राथमिक विद्यालय का भूमि पर दबंगों का है अवैध अतिक्रमण। जनपद बहरीच ग्राम पंचायत रजवापुर के ग्राम सभा गुरदासपुर का, जहां पर दबंग द्वारा स्कूल की भूमि पर ही किस तरह से अवैध अतिक्रमण किया गया है और देखिए स्कूल की स्थिति क्या है। देखिए पूरी रिपोर्ट जुबैल खान के साथ अहमद हुसैन की खास रिपोर्ट। यहाँ पर आप हमारे सामने देख सकते हैं कि प्राथमिक विद्यालय की हालत गंभीर दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चे कभी भी, बच्चों पढ़ते समय कभी भी कोई भी किसी प्रकार की बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ की ये है कि यहाँ एक बार बारिश होने के बाद में महीनों भर बच्चों के लिए आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। यहाँ के प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण जो है, यहाँ पर लगभग 6-7 लोगों का अवैध अतिक्रमण है। इस विषय में ग्रामीणों ने काफ़ी प्रयास किया इसको हटवाने के लिए, परंतु इस पर अभी तक कोई सफल प्राप्ति नहीं हो पाई। अभी हम जानकारी लेंगे यहाँ के प्राथमिक विद्यालय मास्टर साहब से कि उनकी तरफ से क्या क्या कार्रवाई की गई है। क्या नाम है आपका? किस ग्राम सभा की निवासी? क्या समस्या है? समस्या ये है कि विद्यालय के आने के लिए रास्ता ढंग से नहीं। किस लिए रास्ता नहीं, मतलब क्या कारण? क्यों कारण ये है, जो ये सब कब्जा हैं, फिलहाल जो कब्जा हैं जहाँ तक आप बनाए थे वो हिसाब से रखें अपन, बाकी रास्ता छोड़ें विद्यालय के लिए आने के लिए बस। किन किन लोगों ने कब्जा किया है? रामदास बिहारी, राम सूरत बिहारी, मंगल प्रसाद आसाराम, गरीब समयदीन, कृपा समयदीन, बुसागर मैकूलाल, राम सागर मैकूलाल, शिव कुमार मैकूलाल। ये जिन लोगों ने कब्जा किया है ये भूमिहीन है या इनके पास कोई जमीन है? कुछ सर थोड़ सार है बस, मतलब है थोड़ा, ज्यादा नहीं है। गुजारा के लिए है इनके पास जमीन? अरे कोई थे 10 बिस्वा है, कोई थे 15 बिस्वा, कोई थे 2 बीघा, बस और ज्यादा ना है। इस विषय में आप लोगों ने कहीं कोई शिकायत किया? नहीं। शुभ नाम क्या है आपका? कौशल किशोर। किस पोस्ट में तैनात है और किस प्राथमिक विद्यालय में आप? प्राथमिक विद्यालय रजवापुर फर्स्ट और इंचार्ज प्रधान अध्यापक हैं। अच्छा जी, आपके प्राथमिक विद्यालय के अगल बगल जो खलिहान की जमीन है जो प्राथमिक विद्यालय के ग्राउंड में आती है जी, उसमें लोग लगभग 6-7 लोगों की तादाद में कब्जा किए हैं, अवैध अतिक्रमण है, उस विषय में आपने क्या किया है? उस विषय में हमने अपने स्तर से संबंधित अपने उच्चाधिकारियों को अवगत करा दिया है, दे दिया है। तो कौन से उच्चाधिकारी को? खंड शिक्षा अधिकारी और NPRC तक। इस विषय में नेकपाल से आपकी कोई बात हुई है? इस विषय में हमारी नेकपाल साहब से कोई बातचीत नहीं हुई। इस विषय को लेकर नेकपाल साहब कभी यहाँ पर आए या गए? मतलब पिछले साल आए थे एक बार। क्या नाम था उस नेकपाल साहब का? शैलेंद्र। शैलेंद्र कुमार वर्मा जी। जी, कोई कार्यवाही हुई उनकी तरफ से? अब वो तो उनका विभाग बता सकता है कार्यवाही के बारे में, मतलब उनके विभाग का।